गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक और दिन कोडाईकनाल में, लेकिन आज हमारा कोडाईकनाल में आखिरी दिन है। आज हम निकल रहे हैं वापस टूवर्ड्स हैदराबाद। अभी जो यूजुअली सुबह का रिचुअल होता है वो बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। कल भाई यहाँ बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था। कल का दिन आप समझ लो कि हम कहीं नहीं निकल पाए। हम बस यहाँ पे बस वहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं बाहर बारिश हो रहा है, फॉग आ रहा है, फॉग जा रहा है, बस वही कर रहे थे। शाम को थोड़ा टाइम मिला था। आज कंपैरेटिवली मौसम साफ है, ठंड अभी भी है। पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कर ली है, पैकिंग में कुछ बचा नहीं है। बस ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये बैग में डालना है, राइडिंग गियर पहनना है और यहाँ से सरक लेना है। 5 मिनट बाइक को चालू रखते हैं, फिर बैग ला के अपना रखते हैं, निकलते हैं। इसको देखो क्या सोया हुआ है, इनको होश ही नहीं है। इसको साइड में गाड़ी की आवाज़ आ रही, कोई नींद में डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से सो रहा है। तो सफ़र की हो गई है शुरुआत हैदराबाद की तरफ, और सफ़र की शुरुआत में देख रहे हो ट्रैफिक आप। तो गनीमत है हमारे पास बाइक है, तो हम यहाँ वहाँ करके निकल जा रहे हैं, और ना इधर तो भैया ट्रैफिक ही ट्रैफिक है ज़ोरदार। इसलिए भी ना मैं थोड़ा जल्दी निकलना चाह रहा था, लेकिन साला हुआ नहीं। मैंने सोचा जब लंबा चलाना ही है गाड़ी, तो क्यों ना थोड़ा नींद को प्रेफरेंस दे दिया जाए। गजब ही ट्रैफिक लगा है यार इधर तो, ज़ोरदार, सभी इधर उधर फंसे हुए हैं। A few moments later, देख रहे हो शहर से ऑलमोस्ट अपन बाहर आ चुके हैं। तो अब घाट वाला रास्ता शुरू हो गया, कोडाईकनाल से नीचे उतरने वाला, यहाँ तक ट्रैफिक है भाई साहब। यार ये लोगों का क्या होगा भाई, इनको तो 1-2 घंटा लगेगा शहर पहुँचने में, जब तक ऊपर शहर की ट्रैफिक क्लियर नहीं होती। बचपन याद आ गया अपने गाना सुन के। फाइनली शहर के ट्रैफिक से भाई बाहर निकले, घाट वाले रास्तों पर आ गए। अब सोच लो पिछले 1.5 घंटे से, 10 बजे के आसपास में निकला था, पिछले 1.5 घंटे में 17 किलोमीटर कवर किया हूँ मैं। आप अंदाज़ा लगा लो मैं किस हद तक फंस के, बच के, निकल के आया हूँ। मतलब मैं बाइक में हूँ तो मैंने 17 किलोमीटर किया 1.5 घंटे में। जिन लोग कार में वो लोग तो पता नहीं बेचारे कहाँ ही फंसे होंगे। मेरे को भूख लगने लग गया, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, लेकिन ना रुकने का मन नहीं कर रहा था। नीचे पहुँचते हैं भाई, गजब ही मेहनत हो गया आज तो, राइड की शुरुआत में मेहनत एकदम। अचानक से रुकावट के लिए खेद है, मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं। लेक एक नंबर लग रहा है यार, बहुत सुंदर। क्या है थोड़ी देर में घाटियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो अपने कोई हाईवे पे ही चलाना है और क्या। सोचा थोड़ा रोक के देख ही लें, सो शानदार, अति सुंदर। चलो बढ़ते हैं आगे। वाह फुल माहौल चल रहा है इधर तो। अब फाइनली भाई घाट वाला रास्ता हो गया ख़त्म, अपन आ गए प्लेन रोड पर नीचे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद आएगा NH 183, और वो जाके जुड़ेगा NH 44 में, हमारा पुराना साथी NH 44। 10 बजे से मैं निकला था, 12:30 हो गया, 57 किलोमीटर कम्प्लीट हुआ बस। और वही मैक्सिमम में जो कवर किया हूँ ना, ये पिछले के समझ लो 40-45 मिनट्स में किया हूँ। थोड़ा घाट खाली हुआ ना उसके बाद। ये आ गए अपन NH 183 में, और यहाँ से डिंडीगुल है 43 किलोमीटर्स, चेन्नई है 463 किलोमीटर्स, जो मेरे को जाना ही नहीं है। बाइक में पेट्रोल अभी है, ऑलमोस्ट आधा टंकी तो होना चाहिए, तो अभी अपने को एटलीस्ट डिंडीगुल पहुँचने तक तो सोचना ही नहीं है पेट्रोल के बारे में, अपन बिंदास चला सकते हैं। क्या एक नंबर दिख रहा है यार, एकदम छोटे छोटे नारियल के पेड़ हैं यहाँ पे, लगता है फार्मिंग है उसका पूरा यहाँ पे। अभी से मेरे को लगता है और 200-300 किलोमीटर बाद फिर नज़ारे वगैरह सब गायब, फिर कुछ नहीं बचेगा हाईवे में देखने के लिए, सिर्फ सीधा सीधा देखते रहो चलाते रहो। ये हो गया NH 183 ख़त्म, अब अपन जाके जुड़ेंगे अपने साथी NH 44 से। राइड अपडेट, पहला 100 किलोमीटर हमारा कम्प्लीट हो गया, डिंडीगुल भी क्रॉस हो गया, 100 किलोमीटर भी कम्प्लीट हो गया, चलाते चलाते ऑलमोस्ट 3 घंटा भी हो गया। अब अपन ऐसा पूरा वर्दी हो गए हैं एक ब्रेक लेने के, तो अब देखते हैं यहाँ से देखना शुरू करते हैं, जो भी अच्छी जगह दिखेगी बढ़िया बैठ के खाना तो है ही, कुछ ना कुछ होगी। भैया भूख लग रहा बहुत ज़ोरदार। तो
फाइनली 102 104 किलोमीटर चलाने के बाद ऑलमोस्ट NH44 ज्वाइन होने वाले थे कि हमको यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख गया। रेस्टोरेंट का नाम है ईडन गार्डन प्योर वेज रेस्टोरेंट। नान रोटी, रोटी हाँ, नान रोटी, दाल फ्राई हाँ, दाल फ्राई, दाल फ्राई और दो चपाती हाँ, चपाती दाल फ्राई हाँ। ये आ गया अपना दाल फ्राई और रोटी। अचानक से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, खाते और भगते हैं जल्दी। जिस रेस्टोरेंट में बैठ के मैं खाना खा रहा था ना, उसके जस्ट साइड में मेरे को दिखा ये स्टॉल, और मेरे को ऐसा कुछ याद सा आ तो रहा था कि कुछ तो देखा हुआ है ऐसा। फिर मैं आंटी से आके पूछा तो पता चला ये मदुरई फेमस जिगर ठंडा है। जब मैं कन्याकुमारी गया था तब मनोज ने मेरे को ये खिलाया था भाई, और जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। आप पियो, आपका जिगर ठंडा हो जाएगा पूरा। टेस्ट तो एक नंबर। ये ख़त्म करते निकलते हैं। चलो अपना खाना हो गया भाई, सही टाइम पर हो गया वो भी, और लेकिन ये ब्रेक काफ़ी लंबा हो गया। अरे एक 5 के आसपास ब्रेक लिया था, 1:50 हो रहा है, 40-45 मिनट का ब्रेक लग गया। हाँ वैसे यार वो दाल फ्राई रोटी लाने में भाई साहब थोड़ा टाइम तो लगाए, पर हाँ ठीक है, खाना हो गया, मस्त जिगर ठंडा पी लिए, खैर ठीक है। अब 2 बजे शुरू किए चलाना, आराम से चलाएँगे 3-4 बजे तक बिंदास, ताबड़ तोड़। यार सोचो कितना फ़र्क आ गया, अभी सुबह ही मैं मतलब बिना स्लीपर के चल नहीं पा रहा था, फर्श इतना ठंडा था, और अब ये जैकेट वगैरह झेला नहीं रहा मेरे से, ऐसा लग रहा है कि यार कब मैं पहुंचूं और सब फेंकूँ निकाल के। कितना डिफरेंस आ गया कुछ किलोमीटर थोड़ा सा हाइट में, वो जगह ऊपर है ठंडा है, हम नीचे आ गए तो गर्मी बढ़ गया। और भाई कोड़ाई के नाल में तो क्या भीड़ है, क्या ताबड़ तोड़ भीड़ है, इतने सारे लोग हैं अभी, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के सारे स्टेट और सारे सिटी के लोग ना कोड़ाईकनाल में ही आए हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ मैं पहले आ गया वीकेंड से, यही अगर मैं आज कोड़ाईकनाल जा रहा होता ना तब तो पागल हो जाता मैं। मतलब आप सोचो मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 घंटा लग गया सिर्फ 15 किलोमीटर कवर करने में, जबकि मैं तो बाइक पे हूँ। ये देखो समोसा पहाड़, नहीं मतलब इस पहाड़ का ऐसा नाम नहीं है, और समोसा जैसा दिख रहा था मेरे को बिल्कुल। लास्ट वाला बत्ती आया ही था कि पेट्रोल पंप दिख गया, तो सोचता हूँ कि चेक कर लेते हैं, डला ही लेते हैं। यहाँ पेट्रोल है 101 रुपये लीटर, 101.1, वाह वाह, टैंक फुल करना है। अरे जॉली कैरेक्टर है एकदम। चलो बढ़िया हो गया भाई, टंकी फुल हो गया गाड़ी का, अपना भी पेट भर चुका है, गाड़ी का पेट भी भर चुका है, अब दोनों टनाटन चलेंगे बढ़िया से। थोड़ी देर के लिए गाड़ी क्या रोको यार, अंदर पसीना पसीना हो जाता है यार, इतना गर्मी है अभी। अब कम से कम अगले 300-400 किलोमीटर के लिए अपन फुर्सत है, रात में डलाने को होगा तब डलाएंगे पेट्रोल, अब पेट्रोल का टेंशन नहीं लेना है काफ़ी देर तक। यही वो जगह है जहाँ मैं आते समय जब मैं यहाँ आ रहा था कोड़ाईकनाल के लिए, तब रास्ते में बीच में एक जगह पे क्या हुआ था ना, मैं बाइक रोका गोप्रो का बैटरी बदलने के लिए, और उसके बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, फिर कैसे कैसे करके भैया मैनेज किया था मैं। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो देखना वाला, बेंगलोर 260 होसूर 219। बस इसी की कमी रह गई थी, थोड़ा सा भीग गया मैं। 2 मिनट रुकते हैं, अगर बारिश नहीं रुका तो रेन गियर पहन के निकलेंगे। बैग कवर किया, रेन कोट पहना, तब तक मैं बारिश ही बंद हो गया, फिर रेन कोट उतार के बैग में डाला, इसका कवर हटाया ताकि ये सूखे थोड़ा अंदर से। गजब ही टोपी बाज बारिश था भाई एकदम ही, ऐसा लगा जैसे मेरे को ठगने के लिए ही आया है बस। वैसे सच बताऊँ तो ना अभी रेन गियर थोड़ा गीला हो गया है, अब उस पर हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या ही मौसम चल रहा है यार, सुबह सुबह ठंड लग रही थी, फिर धूप लगने लग गया, फिर बारिश भी हो गया। टाइम ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है, हमने कवर कर लिया 236 किलोमीटर, 4:15 तक चलाते हैं, फिर देखते हैं कहीं रुकते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, इनके कार के पीछे कोई धागा फंसा हुआ है, रस्सी फंसी हुई लंबी सी पिंक कलर की, वो मस्त लहराती हुई जा रही साथ में। थोड़ा पास ले जाके दिखाता हूँ, ये देखो अभी दिख रहा है, पता नहीं ये लोगों को मालूम भी है कि नहीं इस बारे में।
यहाँ से लेना था अपने को लेफ्ट टर्न बैंगलोर के लिए, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आ जाएगा सेलम सिटी, मतलब अपन सेलम पहुँच गए, सलेम सेलम पता नहीं यार क्या बोलते हैं, क्या मालूम, जो भी है पहुँच गए बस। देखते हैं 4:30 हो ही रहा है, अब एक आध जगह ब्रेक लेते हैं यार, थोड़ा चलाते चलाते हो गया 2 घंटे से ऊपर यार। अब ये मत कहना कि यहाँ भी ट्रैफिक है, अब यहाँ किस बात का ट्रैफिक, भी हाईवे है ये तो। लास्ट वाली क्लिप के बाद गोप्रो का बैटरी हो गया बंद, मैंने सोचा थोड़ी देर और चला लेते हैं, 285 किलोमीटर कुछ हो गया था, 300 हो जाएगा फिर कहीं रोकेंगे ब्रेक लेंगे, 297 किलोमीटर हुआ ही था, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मेरे को यहाँ जगह मिल गया, मैं रोक लिया, थैंक गॉड ऐसा जगह मिला जहाँ मेरी बाइक भी सेफ है, पानी में भीग नहीं रही है। और ये बारिश भी देखना सिर्फ 5 मिनट की है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन ये 5 मिनट सिर्फ परेशान करने के लिए आता है। बंद भी हो गया देखो, रुकी गए हैं तो 5-10 मिनट थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। निकलने ही वाला था कि यार याद आया कि इसका बैटरी भी तो बदलना है। चलो अपना 10-15 मिनट का चाय पानी का ब्रेक हो गया, खूब सारा पानी पी लिया और एक कप चाय, बस बहुत था। और एक क्रीम रोल भी खाया वैसे, मैं वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, एक्चुअली पैसा देने गया था चाय का, पर बहुत लालच आ गया तो वो मैं खा लिया वहीं खड़े खड़े। बैंगलोर यहाँ से 180 किलोमीटर बराबर मैं जान रहा था। अभी टाइम हो रहा है 5:20, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे की रोशनी तो है, उसके बाद फिर अपन चलाएंगे अंधेरे में, अंधेरा कायम रहे। अब टाइम थोड़ा शाम की तरफ जा रहा है तो बढ़िया से, अब गर्मी उर्मी गया, अब हल्का हल्का मौसम ठंडा होगा यार। लेकिन ना पता नहीं थोड़ा सा ना, या तो टेस्ट का फ़र्क है या चॉइस का ही फ़र्क है, जो कह लो, ये बैंगलोर के बाद से यार कहीं भी ना ढंग की चाय नहीं मिलती उतनी खास, मतलब ठीक ठाक है, हो सकता है वहाँ के हिसाब से वो परफेक्ट चाय होती होगी, वहाँ वैसे ही पिया जाता होगा, पर ना जो टेस्ट मेरे को पसंद है चाय का वैसा वाला नहीं मिलता। अभी अपन क्रॉस कर रहे हैं देवीटी पट्टी, यार वो कोविल पट्टी गाँव कहाँ गया यार। लास्ट टाइम जब मैं कन्याकुमारी से निकला था बैंगलोर के लिए तो मेरे को याद है एक भाई साहब का गाड़ी ख़राब हो गया था, उसको फिर मैं गाड़ी से बांध के 30 किलोमीटर तक खींच के उनके गांव छोड़ के आया था, और गाँव का नाम था कोविल पट्टी, और उनका गाड़ी को 30 किलोमीटर खींचने के चक्कर में हमारा हाथ में पट्टी बन गया था, वो भी गजब ही एक्सपीरियंस था यार। लेकिन ये देखो पुरानी हिमालयन नई हिमालयन दोनों साथ में, नई हिमालयन में यार ये वाला मेरे को समझ नहीं आया, एक ना जैसा DRLs होते हैं ना जो जलते ही रहता है दिन भर, वैसा इसके इंडिकेटर्स में भी दिया है, मतलब अगर वो भाई साहब ब्रेक मारते हैं तो उसका ब्राइटनेस बढ़ता है, मतलब वो जलता है, पर वो ऑफ में भी जला हुआ ही दिख रहा है। अच्छा है इसका फ़ायदा, रात में अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपको मिलेगा बढ़िया। ओहो एक और राइडर पार हुआ, अरे मैं पार हो जाता अभी। यार क्या था ना कि अपने को जाना इस तरफ, सनसेट हो रहा था, पीछे मैं देख नहीं पा रहा था उसको ठीक से, सोचा 2 मिनट गाड़ी रोक ही लेता हूँ, सुकून से देख तो लें 2 मिनट, फिर तो क्या चलाना ही है और क्या करना है, चलाते रहेंगे। शानदार, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अब देखो दिख रहा ना एक नंबर कलर, गजब यार। अरे यार और ये ना ब्रिज ऐसे मुड़ रहा है ताकि और मेरे को पीछे घूमना पड़े दिखाने के लिए। राइड अपडेट, राइड अपडेट, राइड अपडेट, अंधेरा हो चुका है पूरी तरह से और 7 बज रहे हैं, हमने कवर कर लिया है 401 किलोमीटर बराबर 401, और अभी मेरा ऐसा मन तो नहीं है ब्रेक लेने का, थोड़ी देर और चलाते हैं फिर कहीं रोक लेंगे, थोड़ा देर पानी वानी पीने के लिए ब्रेक ले लेंगे, जहाँ भी रोकेंगे वहाँ हेलमेट का वाइज़र साफ़ करना, क्योंकि भाई वाइज़र कचरा गंदा हो गया, बहुत ही कीड़ा चिपक गया आगे। मैं ना 1-2 मिनट का ब्रेक लेने का सोच ही रहा था कि यार रोक के हेलमेट का वाइज़र साफ़ कर लेते हैं और मैप लगा लेते हैं, देखते हैं इनकेस अगर बैंगलोर सिटी से अंदर ना जाके बाहर से निकलने का मैप कुछ रास्ता बता दे तो। जैसे ही मैं रोकने का सोचा मेरे को दिख गया ये श्री कृष्णा होटल टी एंड कॉफ़ी, और वो जो अंकल है ना वो खूब सीटी बजाए मेरे को देख के, फिर मैं सोचा कि यार
बुजुर्ग आदमी इतना सीटी बजा रहा है, वेस्ट कैसे जाने दें। एक चाय पी लेते हैं, दो मिनट लगेगा फिर आगे बढ़ लेंगे, उसमें क्या। चलो भाई चाय ब्रेक हो गया कंप्लीट, ज़्यादा देर में वेस्ट नहीं किया मेरे हिसाब से, शायद 10 से 20 मिनट था, उससे ज़्यादा नहीं। चाय एक नंबर थी भाई, लेकिन कसम से पिछले 3-4 दिनों में मस्त कड़क चाय यही चाहिए था। हल्का हल्का मेरे को राइट साइड ना हेडेक हो रहा था, अभी मस्त चला गया एकदम, ताबड़तोड़ फ्रेश हो गया मैं। जय श्री राम। यार ये गूगल सजेस्ट कर रहा है कि मैं यहाँ से पीछे नीचे तरफ से राइट लेकर यहाँ से जाऊँ, इससे क्या होगा, इसे बैंगलोर एंटर नहीं करूँगा। ओके, अगर मैंने 44 में ही जाता रहा तो क्या होगा ना, मैं बैंगलोर के अंदर घुस जाऊँगा। अरे वहाँ बहुत ट्रैफिक होगा, आओ ट्राई करते हैं। ओ बाबा ये कहाँ लेके जा रहा है गूगल तू। भाई देख मैं तेरे को पहले बोल दे रहा हूँ, तू मेरा समय बचाने के चक्कर में ना आए बाएँ रस्तों में घुसेड़ मत देना मेरे को, बस तू तेरे पे भरोसा करके जा रहा हूँ मैं। यह है टू वे रोड, यहाँ पे तेज़ नहीं चला सकते, और ऊपर से साला यहाँ तो अंधेरा है वे। अब जब तक NH44 पे वापस जुड़ नहीं जाता तब तक गाड़ी रोकने का सोचना नहीं। मतलब ये ऐसा हाल है ना कि अगर मैं अभी अपना गाड़ी रोक के लाइट बंद कर दूं तो पूरा ही अंधेरा है सब तरफ, एकदम अंधकार रह 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 रह। यार मैं पहले सोच रहा था कि कैसे भी बस बैंगलोर के ट्रैफिक से बच जाऊँ, भगवान ने बोला तथास्तु, और अब मैं ऐसे रास्ते में आ गया हूँ कि मेरे को यहाँ डर लग रहा है। मतलब यार दिन रहे तो ठीक है, रास्ता कोई दिक्कत नहीं चलाने में, काफ़ी चौड़ा ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन रात में यार ज़्यादा ही अंधेरा हो जा रहा है। अच्छा हाँ यार एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि अपन कर्नाटका बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं बहुत पहले। वैसे राइट अपडेट भी देना था आप लोगों को, 9:24 हो रहा है, 500 किलोमीटर बराबर हमने कवर कर लिया है ट्रिप वन में। 500 देख के बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है बढ़िया है, चला लिए अपन काफ़ी चला लिए, 550 किलोमीटर और बाकी है, लगभग आधा कर लिए, आधा और करना है। अब इस हाईवे को भी छोड़ने का वक्त आ गया, ये हाईवे छोड़कर अपन ले लिए साइड वाला रोड, क्योंकि तो आगे जाके अपने को लेना है टर्न टूवर्ड्स हैदराबाद। ओ भाई साहब पता नहीं कब से चलाते चलाते फाइनली अब पहुंचे नेशनल हाईवे 44 पे। हे भगवान जय श्री राम, पहुंच गया भाई। कितना डर डर के चलाया मैं उस रास्ते में, बस ये सोचते सोचते कब खत्म हो, कब नेशनल हाईवे 44 आए। हाँ कहाँ था भाई तू, पिछला ब्रेक आई गेस मैंने 7 बजे लिया था जब मैं चाय पिया था, 9:42 हो रहा है, मतलब मैं 2.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन अंधेरे रास्तों में रुकने की। मैं बस यही सोच रहा था भाई कब NH44 आएगा, तभी रुकेंगे और तभी फिर ब्रेक लेंगे। अब फाइनली हम ब्रेक के हकदार हो गए, अब कहीं पे रोकते हैं गाड़ी और ब्रेक भी रुक लेते हैं। भैया जोर से चाय पीने की इच्छा हो रही है। IPL मैच चल रहा है, राजस्थान वर्सेस पंजाब, सही जगह ब्रेक लिए, चाय भी है, खाना भी है, मैच भी है, वॉशरूम भी है, सब है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सही लाइट भी है। एक फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, ये साथ में चाय ऑर्डर किया है, चाय पीते राइस खाते भगते हैं भाई। गजब रास्ता था भाई, मतलब बैंगलोर का ट्रैफिक से बचने के चक्कर में मैंने वो रास्ता लिया, और वहाँ चलाते चलाते मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब इतना अंधेरा रास्ता, बहुत जगह तो ऐसा हो रहा था कि अगर मैं गाड़ी रोक के लाइट बंद कर लूँ तो आसपास कोई लाइट का सोर्स नहीं, एकदम अंधेरा। A few moments later. एक बाउल भर के वेज फ्राइड राइस था, पूरा ही खा गया, इतनी स्पीड से खाया कि समझ ही नहीं पाया कि मैं बहुत सारा खा चुका हूँ। भूख तो लगी थी, अब आलस आ रहा है। मनुष्य जीवन भी कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है, आलस का मेरे पास जुगाड़ है। ये पहले पी लिया, ये पीना, चाय पी के नींद उड़ाएंगे फिर यहाँ से भागेंगे। चलो भाई अपना ब्रेक हो गया, खाना भी हो गया, चाय भी हो गया,
सही जगह पे रुक गया अपन जगह देख के, अब फ़ोन की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब यहाँ से सीधा NH44 में ही जाना है। हैदराबाद 521 किलोमीटर उसमें दिखा रहा है, और अभी पेट्रोल में भी तीन डंडी है, तीन बार है। हाँ कैमरा साफ़ है ना, तो 100 किलोमीटर तो खींच ही लेगा, तो मेरे को लगता है अभी आराम से अगला 2 घंटा अपन चला सकते हैं। ये रात में साला इनसे संभल के चलाना बहुत ज़रूरी है भाई, मेरे को सही में स्लीपर बसेस जो जाती रहती है ना प्राइवेट बसेस, इनको ओवरटेक करने का हिम्मत नहीं होता मेरे को। एक तो इनका इतना बड़ा साइज, उसमें नागिन तरह लहराते हुए ओवरटेक करते रहते हैं सबको, अपन दूर ही ठीक है। यार मेरे मन में ना एक ख्याल ये भी आ रहा है कि आंध्र प्रदेश चालू होने से पहले अगर मैं ये पेट्रोल डला लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंध्र प्रदेश लगते हैं ना पेट्रोल हो जाएगा महंगा। अभी मैक्सिमम ना ये जो नयारा जैसे अच्छे अच्छे पेट्रोल पंप है ना उसमें भी 101 रुपये दिखा रहा है। अभी आंध्र प्रदेश लगते ही वो नॉर्मल पेट्रोल पंप में भी 110 हो जाएगा। आई होप मैं आंध्रा में नहीं घुसा हूँ अभी। महंगा पेट्रोल डलाने का हमको कोई शौक नहीं है। कितना दिखा रहे भाई पेट्रोल, 86.3 रुपीस पर लीटर। इंडिया से बाहर आ गया क्या मैं? अच्छा डीजल होगा यार, वो पेट्रोल थोड़ी ना तो सस्ता होता है भैया। कार्ड हो जाएगा? कार्ड हाँ, फुल टैंक कर दो। ये बढ़िया काम हो गया भैया, पेट्रोल हो गया रिफिल। और बढ़िया काम इसलिए भी कि अभी हम लोग क्रॉस किए हैं बागेपल्ली वाला इलाका। मेरे को जहाँ तक याद है बागेपल्ली मतलब ये तेलंगाना सॉरी आंध्र प्रदेश आने वाला है, और आंध्रा आ गया मतलब फिर पेट्रोल हो जाता महंगा। अभी 100 रुपये में डला है, अभी 110 में डलता सीधा। अच्छा कि अपन डला लिए, फुल टैंक करा लिए, अब अगली बार फुल टैंक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा टंकी भी भर लिए ना उतने में भी पहुँच जाएंगे। अपन पहुंच गए हैं अनंतपुर। अनंतपुर बोले तो लगभग लगभग बेंगलोर टू हैदराबाद के बीच का जगह, लगभग नॉट एग्जैक्टली। टाइम हो गया है 1:20, हमने कवर कर लिया 695 किलोमीटर। थोड़ी देर में 700 किलोमीटर हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं, वही अपना 10 मिनट बाइक से उतरने वाला ब्रेक लेंगे। रात का टाइम है ना तो अभी क्या है आजू बाजू कुछ अपने को देखने का है नहीं ना दिखाने का है, तो मैं चुपचाप सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ मालूम, अपना ही कुछ कुछ सोच रहा हूँ। वैसा होता है ना खाली टाइम होता है जब आप फ़ोन नहीं चला रहे होते हो और दिमाग कहीं खास बिजी नहीं होता है, तो कैसे आपका दिमाग आपकी लाइफ ही कैलकुलेट कर करके आपको दिखाता रहता है, वही चल रहा है मेरा भी अभी। यार सीरियसली कभी कभी मैं रियलाइज़ करता हूँ आजकल हम लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फ़ोन के ऊपर। कोई हमारे यहाँ से फ़ोन ले ले और आधे घंटे ये बोल दे कि बस चुपचाप बैठे रहना और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मतलब टीवी भी नहीं देखना है, ये बात भी नहीं करना है, सोना भी नहीं है, चुपचाप बस बैठे रहना एक जगह। मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% लोगों में से ना हम में से वो होगा ही नहीं, हम लोग 10 मिनट में ही बेचैन हो जाएंगे कि भाई अब क्या करें। मतलब आपका जो दिमाग है ना वो डोपामाइन मांगता रहेगा, कहाँ से आएगा एंटरटेनमेंट, कहीं से आ नहीं रहा, आदत पड़ गई अब तो फ़ोन की। तो ये जो राइड है ना ये मेरे को इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। और तो यहाँ भी मेरा दिमाग कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है ही भाई, मेरे को रोड देखना है, ट्रैफिक को जज करना है, वो सब है, लेकिन ऐसा एंटरटेनिंग नहीं है ये चीज़ उतनी, कभी कभी थोड़ा बोर भी लगने लगता है। पता नहीं मैं क्या ही बात कर रहा हूँ यार, कोई सेंस बना भी रहा है कि नहीं आप लोग के लिए पता नहीं। बहुत देर से चलाते चलाते फाइनली एक छोटा सा टपरी ऐसा दिखा जो कि खुला हुआ है, जहाँ चाय मिल रहा है और थोड़ा सा पीछे बैठने का भी जगह है। होटल अमोग फैमिली रेस्टोरेंट नाम है, पर अभी तो बंद है, चाय का टपरी खुला है। हमने ऑलमोस्ट 700 से ऊपर कवर कर लिया है, इसका मतलब 350 मैक्सिमम बाकी है, उससे ज़्यादा नहीं बाकी है। अभी फ़ोन में देखने का मन नहीं कितना बाकी है, वो हैदराबाद जब लास्ट का 100 बचा होगा तब फ़ोन वोन लगाएंगे अंदर अंदर गली में जाने के लिए, तब तक चलाते हैं, फ़ायदा नहीं है देख के, खुद को टेंशन होता है। इस समय जो फ्राइड राइस खाया था ना वो इतना सारा हो गया कि मेरे को अभी भी पेट भरा हुआ ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना अभी पेट में काफ़ी भरा हुआ है सब, चाय से ज़्यादा और कुछ अंदर जाएगा नहीं। अभी भी अपन आंध्रा में ही है, तेलंगाना भी एंटर किए नहीं है।
यार कसम से बता रहा हूँ, नींद पूरा करने का असर देखो, अभी तक ना ऐसा नींद आने वाला हालत में नहीं आया हूँ मैं। बीच बीच में उबासी आ रहा है लेकिन नींद नहीं आ रहा है। थोड़ा मोड़ा नींद आने का चांस बनता है तो फिर अपन चाय डाल के नॉर्मल कर लेते हैं। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे, एक चाय पी लिए बस थोड़ी देर के लिए यार, बस बाइक से उतर के बैठना था वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 308 किलोमीटर और बाकी है, अभी जस्ट मैंने ऊपर बोर्ड में देखा। यार ये रात के ना 2:30 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक का कम से कम मेरे को लगता है कि ऐसा टाइम रहता है जिसमें ना स्टॉल वगैरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है चाय पानी का, और वहाँ भी रात में कई बार चाय ना ऐसे ताज़ा बना हुआ नहीं होता है, वो वही रहता है कि बना के रख लिए, अब रात में जो जो आएगा उसको पिलाते रहेंगे। खैर ठीक है यार, अभी रात के इस टाइम में नींद उड़ाने के लिए जो मिल जा रहा है, चाय खाली पानी मिल जा रहा है तो पानी पी के भी चलना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। पेट्रोल के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत तो खास है नहीं, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार अपन पहुंच जाएंगे, अपने को पेट्रोल का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। करनूल है यहाँ से 93 किलोमीटर, हैदराबाद 303 किलोमीटर। रात में अगर राइड करना है ना तो उसका एक टिप और है पता है, कि कभी भी एकदम पेट भर के नहीं खाना। खैर वो तो एकदम ही पेट भर के दिन में भी नहीं खाना चाहिए, रात में तो बिल्कुल ही नहीं खाना, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो वैसे भी रात में सोने के लिए बना हुआ है, और उसमें अगर आप उसे ठूस से खाना दे दोगे ना तो और ज़्यादा नींद आता है। दिन में तो फिर भी थोड़ा सा वो चल जाता है, खिंचा जाता है, रात में ना मेहनत बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि रात में जजमेंट और ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे कई जगह पर ना ब्रेकर्स आते हैं ना तो दिखते नहीं है मेरे को जब तक वो एकदम लाइट वाले रेंज में ना आ जाए, वो तो अब मैं पैटर्न याद कर लिया हूँ कि जैसे ये डिवाइडर के बीच में गैप वाला कोई एरिया दिखे समझ जाना हो आसपास ब्रेकर। अच्छा वैसे मैं राइड अपडेट देना भूल गया यार, अपन 803 किलोमीटर चला चुके हैं, टाइम हो रहा है 3:20 और ये आ गया कौन सा टोल प्लाजा, अमाकाटाड़ू टोल प्लाजा, पता नहीं यार कैसे पढ़ते हैं यार। ये अपन क्रॉस कर रहे हैं करनूल, अपन करनूल पहुंच चुके हैं भैया, करनूल पहुंच चुके हैं। हैदराबाद से निकलोगे तो सबसे पहला जो शहर आता है बड़ा शहर वो करनूल आता है, पर करनूल पहुंच गए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार चलो थोड़ा हैदराबाद के पास तक पहुंचे। अरे तेरे को वो लेन दिया हुआ तो उसमें जाना, यहाँ कहाँ आ गया, ये लेन तो कम पड़ रहा है क्या पगला। ये देखो ये निकम्मे, एक लेन दिए इनको कम पड़ रहा है वो भी। ये देखे बाइकर्स की साला कोई इज्जत ही नहीं है, वो देखा बाइक में आ रहा है अरे ले आओ, वो तो निकाल लेगा कहीं ना कहीं से। हैदराबाद इज 166, वेरी गुड। इस 166 को राउंड फिगर में 150 करते हैं और उसके बाद फिर कहीं पे ब्रेक लेते हैं। कौन सी जगह आ गए यार अपन, गढ़वाल। ओके अपन गढ़वाल पहुँच गए। छोटा सा बिल्ली का बच्चा घूम रहा है इधर। अपने को जो 150 किलोमीटर वाला मार्क कंप्लीट करना था वो हमने कर लिया, यहाँ से बराबर 150 किलोमीटर बचा है, और कोइंसिडेंटली यार साथ में ढाबा भी मिल गया एक, तो हम तुरंत गाड़ी रोके बस एक चाय ही पीना है और फिर यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा क्या है ना इसी बहाने बाइक से उतरने का मौका मिल जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ी देर पसार के बैठते फिर निकलते चाय पीते। हो गया भैया अपना 5-10 मिनट का चाय ब्रेक ख़त्म, पानी पी लिए, चाय पी लिए, अब बस ये जैकेट पहनते हैं और निकलते हैं आगे। यहाँ से अगर बोर्ड में देखें तो हैदराबाद रह गया 150 किलोमीटर्स, और फ़ोन में मैंने देखा तो मेरा रूम रह गया 157 किलोमीटर्स, जो कि मोर और लेस बराबर ही है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि अब इसको आराम से करेंगे, जो मैंने सोचा था ना 50-50 करके वैसे करके करेंगे। तो पहला 50 कंप्लीट करते हैं उसके बाद देखते हैं, अगर मन किया थोड़ा और खींच लेंगे, नहीं तो फिर वही 2 मिनट से बाइक से उतरेंगे फिर बैठेंगे फिर निकलेंगे। पता नहीं कैमरे में कितना समझ में आ रहा है लेकिन अब हल्का हल्का रोशनी आने लगा है वो साइड से, जैसे उस समय सनसेट हो रहा था लेफ्ट साइड में ना तो ऐसा लाल लाल नहीं था एकदम लास्ट में, वैसे शुरुआत का रेड रेड है एकदम उस तरफ, अब हो गया पूरा उजाला। ऑल द सूर्य देवता अभी भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन एकदम प्रॉपर उजाला हो गया है भैया। टाइम हो रहा है 6:08 बाकी 6 बजने में, और हैदराबाद रह गया है 109 किलोमीटर दूर, और मेरा हेलमेट ना वापस भर गया मालूम मच्छरों से, अब भी साफ़ करके निकले थे वापस भर गया बहुत सारा वो, अभी अगला जब भी गाड़ी रोकूंगा इसको फिर साफ़ करना पड़ेगा। है ना गाड़ी रोका देखने के लिए और आपको भी दिखाने के लिए, अभी आपको ना फ़ोन के कैमरे से दिखाता हूँ, इससे नहीं दिखेगा GoPro से ठीक से। ये देखो ये दिख रहा है,
एकदम लाल टमाटर, बहुत सुंदर यार, अति सुंदर। क्या दिख रहा है, चलो बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद यहाँ से रह गया 85 किलोमीटर, तो मतलब मेरा रूम रह गया होगा 92, मेरा रूम 6-7 किलोमीटर, थोड़ा और ज़्यादा है। बढ़िया बढ़ते हैं यार, ठंडा ठंडा लग रहा है अभी। ये अपन क्रॉस कर रहे हैं बालानगर शहर, और ये हो गए हमारे 1000 किलोमीटर कंप्लीट। बधाई हो, बधाई हो भैया, 1000 किलोमीटर नाप दिए। हे भगवान, बाप रे, जब निकले थे तब ऐसा लग रहा था कितना दूर जाना है, कितना दूर जाना है, और अब ऐसा लग रहा है कि यार बस पहुंच गए हैं, कब घर आएगा, कब घर आएगा। पेट्रोल अब आखिरी डंडी पर आ गया ना, और टोटल मेरे को लगता है मेरा रूम यहाँ से रह गया होगा 57-58 किलोमीटर के आसपास, तो मेरे को लगता है पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दो वो ट्रिप एफ में आ जाएगा, पर अपन फिर भी पहुँच जाएंगे। अब NH44 को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हम घुस रहे हैं शहर के अंदर। बाय बाय NH44, अगले किसी सफ़र में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब हाईवे का सफ़र ख़त्म, अब शहर के अंदर अंदर चलाना है। अच्छी बात यह है कि आज संडे और इस समय उतना ट्रैफिक नहीं रहेगा हैदराबाद में। अभी जो लोग होंगे मोस्टली वो नींद से उठे भी नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो उठे होंगे। क्या है ना, शनिवार रात का जो चढ़ा रहता है वो उतरने में समय लेता है। ये देख रहे हो साइड में, ये साइकिलिंग लेन है, सिर्फ साइकिलिंग के लिए और रील बनाने के लिए ऑब्वियसली। ये पहुंच गए हम ORR पे। इस रोड में कुछ दूर तक ही बाइक्स अलाउड है, तो बस उतने ही दूर चलाएंगे। एक काम करते हैं, सीधा रूम में मिलते हैं, ठीक है। फाइनली भाई पहुंच गए अपने रूम में। यार इतना अच्छा लग रहा है ना रूम में लेट के। पिछले 24 घंटे से ऐसा आराम चाह रहा था मैं। कल 10 बजे हम निकले थे और आज पहुंचे 8:15 तक। ऑलमोस्ट पूरा 22 घंटे का सफ़र हो गया। वो भी इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कल कोड़ाईकनाल में जो स्टार्टिंग का टाइम था ना वो बहुत चला गया ट्रैफिक की वजह से, तो शायद और थोड़ा जल्दी आ जाते। बहुत टाइम बाद राइड करने के बाद भी ये जानकर अच्छा लगा कि मैं अभी भी चला लेता हूँ काफ़ी लंबा। ऑल्दो ये मैं सजेस्ट नहीं करता हर किसी को मत चलाना कभी, इतना लंबा चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। चलो यार इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी राइड में। तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।